अधीर रंजन चौधरी जी, सर सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर हमारे अभिभावक आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर नया मंजिल की तलाश कर, तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादादों की चलते खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी, और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आज़ादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूँ ये नए सदन से। ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे, यही मनसा के साथ ये नया सदन में पैर रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो, मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। से नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर, हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी, उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल के चलते नया सदन बने हुए हैं। तो इसमें हम ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में कॉल्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सब एमपी का नहीं है ये देश, ये पार्लियामेंट सब एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक की,
हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है, तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है। अटल जी भी कहते थे होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हूँ हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहाँ हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन ये विरासत ये चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करें आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, justice for what? Social justice, economic and political justice, liberty, liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Sir, ho gaya sir? प्रधानमंत्री जी तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो आप पर इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर संविधान पढ़ रहा हूँ ना सर, आप पढ़े संविधान। सर इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी फॉर व्हाट? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू ये मुसलमान ये क्रिश्चियन ये जैन अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की सारे भारत की सारे इंडिया की सारे हिंदुस्तान की सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे, उसमें जब पहला आर्टिकल उसमें यही लिखा जाते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है, जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है, हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कोई किस कुछ कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है।
तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने पे ना होना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं सर, प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद G20 को तो हम देखे हर दिन देखते ही हैं, आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहाँ भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है? क्यों? यह पहली बार आज़ादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर, ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। सर मैं ये कहना चाहते हैं जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था, तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी एक तिहाई आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार। देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद आप देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों का सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया, कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर, सर सर बात तो बहुत कुछ है, प्रधानमंत्री जी सिग्नल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर, बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय, आज तो स्वागत कर दें आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दें आज तो सर, सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास ना बता देता है लास्ट, नो सर 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 व्हेन इंडिया अटेंड, सर ये सुनिए सदन के इतिहास सुनिए, सदन के बहुत व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश द देन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पोस्ट ए क्वेश्चन टू द टू बी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, व्हाट इज द सेरेमनी अर्जुन मेघवाल टू बी फॉलोड टू सिंबलाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया हैंड। सर 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 माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या
तो वो विड्रॉ करे या तो अपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है, ये बिल 2014 में ही लोकसभा नई लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, ये दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखे। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट, आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज, बैठे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन, आप प्लीज अपनी सीट बैठे कंक्लूड कर दें। आप अधिरंजन जी धन्यवाद दे रहे हैं। Lord Mountbatten posed a question to the to be Prime Minister Jawaharlal Nehru, what is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Vice of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high rulers. The symbol used was the handover of Bengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras Presidency. The makers of the Bengal, Bhumidhi Etharajulu and Bhumidhi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, itihas bata raha hu, kuch nahi. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaramthi Pillai and Oduvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras Presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Bengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर, ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए है हमारे देश में, कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ अवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस इन द वेक ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस। सर अगेन आई एम सेइंग दैट सोल शुड नॉट बी सप्रेस्ड अगेन बाय एनी डिजाइन, दैट इज माय व्यू एंड आई एम कंक्लूडिंग द स्पीच बिकॉज सर आई डू नॉट फाइंड द एडिक्वेट टाइम टू मेक माय पॉइंट फॉर जरा मंत्री जी देखिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीरंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअल